अपनी तमाम गाड़ी वालों से कह दो कि हमारे दरबार में आने वालों से किराया 4,000 की जगह 40,000 वसूल करें, और गाड़ियां भी फकत अपनी ही चलनी चाहिए, समझ गए ना? जी जी सरकार, मैं तो आपके दरबार में आने वाले तमाम लोगों से यही कहता हूँ कि अगर हमारी बताई हुई गाड़ी के बजाय किसी और गाड़ी में आए तो शिफा नहीं मिलेगी। फिर ना कहना कि पीर साहब के दम और शुप शुप ने असर नहीं किया। शाबाश, और अगर कोई कहे कि शुप शुप से शफा नहीं मिली तो उसे भी कहो कि इसमें जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी, अब दोबारा से बार बार आना होगा, तुम पर बड़ा कोई सख्त किस्म का काला जादू किया है किसी ने, दम दोबारा से शुरू करने होंगे। सरकार मैं तो कहता हूँ क्यों ना दम करवाने का दौरानिया 12 बार से बढ़ाकर 16 बार कर दें। सरकार इससे हम ट्रांसपोर्ट से भी बड़ी रकम बटोर सकते हैं। हाँ तुम ठीक कहते हो, शाबाश। और ये जो आते हैं ना माजूर, बीमार, कैंसर के मरीज, महबूब कदमों में और माला माल होने की ख्वाहिशमंद, उन्हें जितना हो सके ज्यादा इंतजार करवाओ। जब रश होगी तब मैं बाहर निकलूंगा, और जब मैं बाहर निकलूंगा तुम सारे लोग मेरी वीडियोस बनाना और उसे सोशल मीडिया पर हर जगह पोस्ट कर देना। आप बेफिक्र रहें सरकार, अपने 2-3 चेले इसी काम पर लगे हुए हैं जो आप पर नए नोटों की बरसात करते रहते हैं। मैंने तो उन्हें नए नोटों की गड्डियां पहले से ही दे दी होती हैं। शाबाश। आप बेफिक्र रहें सरकार, हमारे तमाम चेलों और चेलियों ने लोगों को ऐसा घेरा हुआ है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और ड्रामा ऐसा कि कोई शक भी नहीं कर सकता। हम तो दरबार में हर एक आने वाले से सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा कारोबार क्या है, बस फिर उन्हें उन्हीं के हिसाब से घेर लेते हैं। शाबाश मेरे चलो, लगे रहो। सरकार ये इकरारुल हसन कौन है जो आप जैसे पीरों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? हमारे गाहक खराब कर रहा है सरकार, इसका कुछ करना होगा। वो कमबख्त तो ये भी कह रहा है कि हमने लूटमार की बाजार इतनी गर्म कर रखी है कि लोगों के घर बार कारोबार जेवरात मिल्कियत तक बिकवा कर उनसे पैसे लूट लेते हैं। अगर मुल्क के तमाम लोगों तक ये बात पहुंची तो अपना चलता फलता कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन इकरारुल हसन और हमारे कार्टून बनाने वालों को ये नहीं पता कि इस पीर खाने पर फकत आम लोग लुटने नहीं आते, यहाँ तो बड़े बड़े लोग, वुजरा, वुजराए आजम तक लुट चुके हैं। मेरा मतलब है आपके दम से शफायाब हो चुके हैं। अरे ऐसे लोगों से निमटना आता है हम पीरों को। सरकार पता है क्या, लोग तो अब ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि दुनिया में इतने पीर खाने और पीर नहीं जितने पीर खाने सिंध और पंजाब में हैं। यहाँ तक के ये भी कह रहे हैं कि मक्के मदीने तक में एक भी पीर खाना या सैयद खाना नहीं है, जहाँ खाना काबा है और जो आखिरी नबी का वतन है। अरे ऐसे लोगों से निमटना आता है हम पीरों को। सरकार अगर लोगों को आप पीरों के हकीकत का पता चल गया तो चलती हुई दुकानें बंद हो जाएंगी, कुछ करें सरकार। जो भी हम पीरों के खिलाफ ऐसी बात करेगा हम पीर उस पर फतवा दम कर देंगे कि फिलहाल कुफर करता है। हमारे पास ये सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है, जानते हो ना, जिससे हम किसी का भी मुंह बंद करवा सकते हैं। इसलिए तो मैंने पहले से ही अपने नाम सिपाह सालार खत्म नबूवत और जिंदा वली रखकर ऐसों को घेर रखा है।